हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मोटर जोन पे, और मैं हूँ आपका साथी संजीव स्वामी। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हुंडई वेन्यू SX टर्बो का वॉक अराउंड रिव्यू। तो आप वीडियो को एंड तक देखना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। इस सेगमेंट के साथ ये की आती है जो फ्लिप की के तौर पर आती है। इसके अंदर तीन बटन दिए गए हैं, लॉक अनलॉक और ये बूट खोलने का बटन है, और पीछे हुंडई का लोगो दिया गया है। एक ऐसी की आती है इसके साथ। हम चलते हैं स्टार्ट से। अगर बात करें तो इसके अंदर ये यहाँ पे सेंटर के अंदर हुंडई का लोगो दिया जाता है, और ये जो ग्रिल है ये आपको क्रोम फिनिश के अंदर ग्रिल दी जाती है, और ये नीचे आपको ये ग्रिल दी जाती है, और नीचे जो है बम्पर के नीचे आपको ये बॉडी क्लडिंग दी जाती है जो आपको नीचे कचरा वगैरह मिट्टी वगैरह लगने से आपको सेफ्टी रखती है। और अगर हम इसकी हेडलाइट यूनिट की बात करें तो ये इसके अंदर कुछ इस तरह की हेडलाइट प्रोजेक्टर हेलोजन यूनिट मिलती है। यहाँ पे ये भी प्रोजेक्टर हेलोजन यूनिट मिलती है, और ऊपर ये टर्न इंडिकेटर और DRLs इसके अंदर आपको साथ में मिल जाते हैं, और इसके अंदर आपको कॉर्निंग लैंप का भी फंक्शन मिल जाता है। और इसके अंदर अगर हम नीचे बात करें तो इसके अंदर आपको हेलोजन प्रोजेक्टर फोक लैंप मिल जाते हैं। ये देखिए, ये इसका हेडलैंप यूनिट है। और इधर अगर हम साइड प्रोफाइल से बात करें तो इसके अंदर ये इसकी साइड प्रोफाइल है, आप देख पा रहे हो। इसके अंदर आपको एंड टू एंड ये क्लैडिंग दी गई है जो इस टायर से स्टार्ट होके पूरे एंड तक जाती है, बैक टायर तक, और ये हमें मिट्टी वगैरह से बचाती है। और अगर हम इसके टायर साइज़ की बात करें तो इसके अंदर 215/16 R16 के टायर साइज मिलता है, और ये इसके अंदर डायमंड कट अलॉय व्हील आते हैं इसके अंदर, जो बहुत ही अट्रैक्टिव लुक के साथ ये आते हैं। इसके अंदर ये साइड से लुक है, ये देखिए। और यहाँ पे ये आपको ORBM मिलता है, ORBM के ऊपर ही आपको इंडिकेटर मिल जाता है। ये ORBM में बॉडी कलर ORBM मिलता है ड्यून टोल के अंदर, और ये इसका डोर हैंडल है जो बॉडी कलर मिलता है, और यहाँ पे इसका सेंसर वाला नहीं मिलता, कीलेस एंट्री है बट सेंसर सिस्टम नहीं दिया गया इसके अंदर। और इसके ऊपर ये आपको रोफेल मिल जाती है जो काफ़ी मतलब हैवी रोफेल है, मतलब हम यूज़ कर सकते हैं इस रोफेल को। और अगर हम चलते हैं बैक साइड के अंदर, तो बैक प्रोफाइल की बात करें तो बैक प्रोफाइल के अंदर आपको कुछ ऐसा डिज़ाइन मिलता है हुंडई वेन्यू के अंदर, देखिए। ऊपर साफ इंडेंटिना है, और यहाँ पे ये डिफोगर है, और ये इसके अंदर बैक लाइट दी हुई है, और ये देखिए इसके सेंटर में हुंडई के लोगो, और नीचे वेन्यू, इधर एक साइड में SX और एक साइड में टर्बो लिखा है, और नीचे दो पार्किंग सेंसर दिए हैं, पार्किंग कैमरा है आपको यहाँ पे, इसके नीचे ये पार्किंग कैमरा मिलता है, और बैक से ये कुछ ऐसा लुक मिलता है। ये देखिए इसके अंदर ये लाइट है, हाँ बहुत ही प्यारी लगती है लाइट। और इसके नीचे ही आपको ये इंडिकेटर, और इंडिकेटर के साथ में बैक इंडिकेटर के साथ में ही आपको रिफ्लेक्टर का वो पार्ट मिल जाता है। अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, और मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर का इंटीरियर। ये इसका डोर, ये देखिए, और इसके ऊपर आपको ब्लैक प्लास्टिक के अंदर सॉफ्ट प्लास्टिक यूज़ किया गया, और यहाँ पे चारों लॉक अनलॉक के और सेंट्रल लॉकिंग, और ये यहाँ पे ORBM कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं, और ये देखिए ये ऑटो डाउन और आपका ये मिल जाता है इसके अंदर, और यहाँ पे आपको बोतल डालने के लिए जगह मिल जाती है। और अपनी सीट की बात करें तो ये सीट है वो हाइट एडजस्टेबल है, आगे पीछे 8-way एडजस्टेबल आपको सीट मिल जाती है। ये इसका AC वेंट्स जो यहाँ पे इसके ये थोड़ा सिल्वर फिनिश दी गई है यहाँ गया, और यहाँ पे ये लाइट अप डाउन के बटन है, ये इसकी की है। तो अब मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर, और मैंने अपनी सीट है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली है, ये देखिए। और सीट है इसमें 8-way अप डाउन का भी इसके अंदर सीट के अंदर ऑप्शन मिल जाता है। और अगर हम हेडरूम की बात करें तो आपको हेडरूम है वो ठीक ठाक मिल जाता है, मेरी हाइट है वो 5'10" है, 10 इंच है, ठीक ठाक हेडरूम मिल जाता है, अच्छा स्पेस मिल जाता है, और थाई स्पोर्ट भी बहुत अच्छा है। और ये जो साइड में ये जो दिया गया है ना, ये पार्ट बहुत ही आपको कंफर्ट फील करवाता है। इसके पीछे आपको एडजस्टेबल हैंड रेस्ट मिल जाता है। और स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग है वो लेदर रैप्ड स्टेयरिंग कवर दिया गया है, और यहाँ पर आपको म्यूजिक के कंट्रोल मिल जाते हैं जो इसके साथ ये कनेक्टेड होते हैं, और इधर है आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं, और ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो बहुत ही स्पोर्टी लुक देता है। और इसके अंदर कई सारे फंक्शंस दिए गए हैं आपको, एवरेज का, किलोमीटर का, और कई फंक्शन दिए गए हैं। ये अगर हम इसके प्लास्टिक की बात करें तो इसके अंदर आपको हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया है, बट ऐसे आपको फील नहीं होगा, बहुत ही फिट और फिनिश के साथ आया गया। और ये इसके अंदर अगर हम टच स्क्रीन की बात करें तो ये आपको 8-inch की टच स्क्रीन मिल जाती है, जिसके अंदर आपको सब कुछ एप्पल प्ले, कार प्ले और ब्लू लिंक कनेक्टिविटी के ऑप्शन मिल जाते हैं। और ये यहाँ पे इसके म्यूजिक के कंट्रोल दिए गए हैं, और ये नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के AC के बटन दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको USB सॉकेट, 12-volt का सॉकेट और मेमोरी कार्ड USB वगैरह लगाने का ऑप्शन दिया गया है। और ये आपको यहाँ पे गियर नॉब दिया गया है जो 6-speed मैनुअल गियर के साथ आती है, और ये यहाँ पे छोटा सा कोई सामान वगैरह रखने के लिए
दिया गया है और ये हैंडरेस्ट दिया गया है जो काफ़ी प्रीमियम फील कराता है। ये इसका ब्रेक और ये यहाँ पे दो ग्लास होल्डर दिए गए हैं और ये एसी के जो आपको मैंने बताई दिया, ये सिल्वर फिनिश के अंदर आता है जो बहुत ही अच्छा एसी है। इसका एसी है वो बहुत ही अच्छा है और ये इसका ग्लो बॉक्स है और ये इसका फिनिश है। ये इसका वो है सीट है, वो लेदराइज सीट नहीं है, ये इसके वो दूसरी वाली सीट है कपड़ों वाली। और इसकी अगर हम इसकी बात करें तो ये मैनुअली एडजस्टेबल IRBM मिलता है आपको और ये इसके अंदर इंडिकेटर नॉर्मल हेलोजन बल्ब मिलते हैं आपको और यहाँ ये यहाँ पे माइक मिलता है और यहाँ पे एक वैनिटी मिरर दिया गया है इस साइड में और इस साइड में आपको कुछ भी नहीं दिया गया है। और ये इसके सनरूफ है, हम अगर सनरूफ खोले ये देखिए ये सनरूफ इसकी खुल गई है। सनरूफ है वो ठीक है, साइज इसका छोटा है थोड़ा सा सनरूफ का। ये इलेक्ट्रिकल सनरूफ दी गई है आपको, ये देखिए सनरूफ बहुत सही है बट ये थोड़ा सा छोटा साइज लग रहा है मुझे। इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम के साथ साथ आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का ऑप्शन आपको दिया जाता है इसके अंदर। और अब हम चलते हैं रेयर सीट पे और रेयर सीट दिखाता हूँ मैं आपको। अब आगे हम रेयर सीट पे आपको ये अप डाउन के आपको ग्लास के वो ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे एक ग्लास एरिया मिल जाता है और ये लॉक है जो क्रोम फिनिश में दिया गया है इसका लॉक का। और अगर हम लेग रूम की बात करें, मैंने मेरे अकॉर्डिंग है वो सीट कर रखी है और लेग रूम की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा खासा आपको लेग रूम मिल जाता है और नीचे आप पैर आराम से ले जा सकते हैं क्योंकि हाइट इसकी जो सीट है वो काफ़ी ऊंची दी गई है। और इसके थाई स्पोर्ट की बात करीजिए तो थाई स्पोर्ट भी इसके अंदर ठीक ठाक है। और अगर हम इसके अंदर बात करें तो स्पेस की तो 3 लोग हैं वो आराम से बैठ सकते हैं, काफ़ी स्पेस है गाड़ी के अंदर आप देख सकते हो। और अगर हेडरूम की बात करें तो हेडरूम भी अच्छा खासा हेडरूम है और यहाँ पे आपको लाइटिंग का कंट्रोल भी दिया गया है, 2 लाइटें दी गई है अंदर केबिन के, एक आगे की और एक पीछे की। और इसका जो हेडरेस्ट है वो भी एडजस्टेबल है, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये भी। इस सेगमेंट के अंदर बहुत कम है वो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं बैक साइड के अंदर। और अगर हम इसके यहाँ पे बैक साइड के अंदर बात करें तो आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं आपको, साथ में 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है और उधर है वो एक स्पीकर का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। तो ये था इसका रियर का ऑप्शन। अब मैं आपको इसका बूट ओपन करके दिखा देता हूँ, ये देखिए बूट। और इसके अंदर आपको 350 लीटर का बूट मिल जाता है और काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर नीचे थोड़ा सा ये थोड़ा सा डाउन है बट ये सही है सामान वगैरह की सेफ्टी के लिए, थोड़ा सा नीचे है ये सामान, ऊपर जितना हैवी सामान है वो नीचे करने के लिए। और इसके अंदर आपको ये स्पेयर व्हील मिल जाता है जो 1 इंच छोटा है आप R15 का। और ये इसके अंदर आपको साथ में ये भी ऑप्शन मिल जाता है। और अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसके अंदर 190 nm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। और अब हम चलते हैं इसके इंजन के ऊपर, मैं आपको इंजन स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ इसकी। ये इसके अंदर आपको इंजन का अलाइनमेंट है जो टर्बो GDI 1 लीटर इंजन मिलता है जो 120 nm का टॉर्क जनरेट करता है और 178 nm का न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है जो काफ़ी अच्छा है। और ये चाहे आप कितनी भी दूर चला लो ये गाड़ी को अपना हमेशा कूल रखता है। और ये इंजन का जो अलाइनमेंट है वो बहुत ही अच्छा किया गया है, इजी से समझ में आ सकता है। और ये की बात करें तो ये भी काफ़ी हैवी फील होता है आपको, देखिए। तो ये था इसका हुंडई एसएक्स वेन्यू का बैकग्राउंड रिव्यू। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।